बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आपके पास राउंडिंग ऑफ डाटा का मौजूद है आपके पास, जो मैंने काफ़ी डीपली समझाया था बहुत एक वन बाय वन स्टेप से। दोनों टॉपिक साथ पढ़ने होते हैं तभी जाके आपके पास जो बेस बनती है सॉल्यूशन की, ओके, और वो बेस आपकी यूज होगी कैलकुलेशंस के अंदर। किस तरह की कैलकुलेशन, ज़रा आज गौर करेंगे उन कैलकुलेशंस पे। सही, तो पहले उनके रूल समझ लेते हैं। अब हमने पहले रूल ऑफ सिग्निफिकेंट पढ़ा, फिर रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ डाटा पढ़ा। अब इनको हमें इस्तेमाल करना है साथ। कैसे इस्तेमाल करना है? नंबर्स को सॉल्व करने के लिए। अभी 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 तक हमने नंबर्स सॉल्व नहीं करे, इनको सिर्फ पढ़ा है कि फर्स्ट टाइम हम इसको नंबर्स को सॉल्व करने के लिए यूज करें। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस किस तरह से इस्तेमाल करनी है? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जब सम या डिफरेंस होगा तो हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है। बेटा ये जो पूरा पूरी थ्योरी लिखी हुई है, बुक की थ्योरी है, सही है। कॉपी करना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, ये बुक की थ्योरी है। मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बात समझाता हूँ कि क्या क्या है। When two or more quantities are added or subtracted, the result is as precise as of the quantities. Okay? अगर मैं आपको पास कोई वैल्यू, दो वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ओके, तो उनकी जो उनका जो रिजल्ट आता है वो प्रिसाइज होना चाहिए, ओके, या होता है कह सकते हो। आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग राउंड द रिजल्ट बाय कीपिंग ओनली एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर इन द फिगर कंटेन, ओके, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस ऑफ क्वांटिटी दैट वर एडेड और सब्ट्रैक्ट। अब ये वाली बात पूरी समझ लो, मैं इसको कंक्लूड करके बताता हूँ। सही है, आप कोई वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपने सिंपली इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से आप कर रहे हो, कैलकुलेटर से ही करना है, क्योंकि पॉइंट्स की वैल्यू होंगी तो हाथ से करना प्रॉब्लम होती है, वैल्यूज बहुत लेंथी वैल्यूज होती है। अब कैलकुलेट आप कर रहे हो, आपके पास आंसर आ गया, अभी आपने सिग्निफिकेंट रूल अप्लाई नहीं किया। सिग्निफिकेंट रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद लगेगा। कैसे लगेगा? आपके पास आंसर आ गया, ओके, आंसर आने के बाद आपने देखना है लीस्ट, मैं भी सिर्फ ये थ्योरी पढ़ के बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। एड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको देखना है आपने जो दो नंबर एड या सब्ट्रैक्ट करें उनमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है, जो भी होगा। या आपको फॉर एग्जाम्पल, एक आपने तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर वाले को टू सिग्निफिकेंट वाले से ऐड कराया, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला कितना हो गया? टू। तो आपका आंसर भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आना चाहिए, यानी इनकी जो बात है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाले को बनाना है आपने क्या आंसर, इसका मतलब आपने जो अपना आंसर बनाना है वो लीस्ट डेसिमल वैल्यू को देख के बनाना, ओके, एक पांच सिग्निफिकेंट फिगर वाला आपके पास डिजिट है या क्वांटिटी है, एक दस सिग्निफिकेंट फिगर वाली है और एक दो सिग्निफिकेंट वाली है। आप सिंप्लीफाई सेम तरह से करेंगे, सबको एक साथ कैलकुलेटर में लिखो, ऐड करो आंसर, बट मैं कहूंगा बेटा अप्लाई द सिग्निफिकेंट रूल। जब आप सिग्निफिकेंट रूल लगाओगे तो सिग्निफिकेंट रूल का मतलब है आप वैल्यू को सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले पे श्रिंक करोगे। श्रिंक करने का क्या तरीका है? श्रिंक करने के लिए आपने राउंडिंग ऑफ डाटा का इस्तेमाल करना है, जो रूल मैंने सिखाए थे राउंडिंग ऑफ डाटा के अंदर। ये रहा आपके सामने एक आसान सी एग्जांपल, सही, प्लस माइनस में थोड़े बड़े वैल्यूज देते हैं, सही है। तो आपके पास, अब आपको मैं बताऊंगा नहीं कि क्या नाम है सिग्निफिकेंट फिगर कैसे जज करते हैं, मैं सिर्फ पढ़ के बता दूंगा इतने सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले वाले में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दो, चार, छः, आठ सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरे वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तीसरे वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके पास? पाँच सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कैसे हैं ये आपको पता होगा, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, कैलकुलेटर में वैल्यू लिखी, आंसर निकाल दिए, बेटा इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे, सही है, ये आंसर आ गया।
अब आपने अप्लाई करना है सिग्निफिकेंट फिगर रूल। सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कौन है बेटा इसके अंदर, सबसे छोटा? तो आपने बताया सर इसमें सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। सही है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो इसको आपने राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट, इस वाली वैल्यू को, आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राउंड ऑफ करना है। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आपको पिछली वैल्यू सारी गायब करनी होंगी। सही है, यानी राउंड करते 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 आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो डायरेक्ट आई हुई है, आप चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर ले। सही, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पहले यहाँ समझाता हूँ, बुक के अंदर सब कुछ डायरेक्ट हुआ है, बुक के अंदर सब कुछ डायरेक्ट है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि कैसे आप करोगे। कि सवालात आप थोड़ी देर बाद करिएगा जिनको प्रॉब्लम हो रही है, मैं पहले ही बता दूं उसके बाद सवालात क्या। 5 से 8 राउंड ऑफ होगा, नहीं होगा 5 के बाद, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने 5 के रूल पढ़े थे, 5 के बाद ऑड या इवन होगा तो हम देखेंगे, तो अभी कुछ भी नहीं है तो 5 खुद ब खुद स्किप हो जाएगा, 5 कोई चेंज नहीं लाएगा 8 के ऊपर। ओके, 5 कोई चेंज नहीं लाएगा, तो 5 स्किप हो गया। 8, 9 के ऊपर कोई चेंज लाएगा? जी, 8 एक ग्रेटर देन 5 वाला नंबर है। सही है, 3 इससे पढ़े थे हमने, सीलिंग, फ्लोर और मिडिल। तो 8 सीलिंग वाला नंबर है जो बराबर वाले नंबर को बढ़ा देगा। इसका मतलब आपके पास 8 तो गायब हो गया। सही है, देखो जो जो नंबर राउंडिंग पे आते हैं वो गायब होते चले जाते हैं, 8 गायब हुआ, 9 को उसने क्या कर दिया, 10, तो 9 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और 2 ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ऐसे ही है, बस ये सिंपल करते रहना, बराबर से बराबर, बराबर से बराबर, डायरेक्टली 8 को शिफ्ट नहीं कर सकते। सही है, स्टेपिंग है ये, बुक में डायरेक्ट हुआ हुआ है, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो, डायरेक्ट में होता है पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको बराबर वाले से बस चेंज कर दो, बाकियों को छोड़ दो, आपकी मर्जी है। ओके, लेकिन तरीका मैं सही से बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ही करना है, लेकिन तरीका आना चाहिए किस तरह से काम हो रहा है। कितना रह गया, 1। 1 5 से छोटा है या बड़ा? तो 1 इज लेस देन 5, इसका मतलब यहाँ पे फ्लोर राउंडिंग ऑफ होगा, 2 खुद ब खुद स्केप हो जाएगा बिना कोई चेंज करे हुए 8 पे, देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 11.478। सही है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, यहाँ आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मैंने बुक का इसी वजह से कॉपी करा है ताकि आपको बता दूं कि आंसर यहाँ पे गलत है। आपके पास स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट 3 है, इन्होंने 5 रखे हुए हैं, यहाँ मिस्टेक है, या तो ये वाली हिस्से में मिस्टेक आ रही है, ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा। ओके, या फिर इस वाले हिस्से में मिस्टेक है, तो आपको इसको 3 बनाना है, आपको इसको 3 बनाना है। मैंने जानबूझ के बुक वाला आंसर वापस लिखा है, ये बुक में यही लिखा हुआ है कि बुक का क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं लिखा है। ओके, तो आप अगेन पॉइंट के बाद में भी राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई मसला नहीं, पॉइंट से राउंड ऑफ करोगे, 8 बड़ा है 5 से, 7 को बड़ा कर देगा, सीलिंग राउंडिंग ऑफ, खुद गायब हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 4 8। सही है, समझ लो, पहले मैं सवालात की जवाब सवाल पूछूंगा सबसे, पूछ भी लेना जो पूछना। अगेन 3 सिग्निफिकेंट हो गए, नहीं हुए, अब क्या करोगे, 8 और 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 8 4 को क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा, ये हो जाएगा 115, क्या हो जाएगा ये 115। ये आपके पास आंसर है आपके गिवन क्वेश्चन का। सही है बेटा, सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, वेन क्वान्टिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड द रिजल्ट हैज द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड द क्वान्टिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सही है भाई, तो इसमें भी यही करोगे आप, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, छोटा सिग्निफिकेंट कौन सा है इसमें, 2.41, इसमें 4 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, आंसर कुछ भी आ रहा हो, अब आपकी जिम्मेदारी है इसको श्रिंक करके राउंड ऑफ करके 3 डिजिट्स पे ले आओ, यानी कि 109 पे ले आओ किस तरीके से। ओके,
बुक में डायरेक्ट हुआ हुआ है, आपको स्टेपिंग याद होनी चाहिए. मैं एक बार फिर स्टेपिंग समझाऊंगा आपको. ओके, सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव. ओके, तो ये बराबर वाले नंबर को क्या करेगा, खुद गायब हो जाएगा और एक इसका बढ़ाकर चला जाएगा, तो सिक्स हो जाएगा सेवन. ओके, सेवन अगेन इज ग्रेटर देन फाइव, खुद गायब हो जाएगा और इसको दे देगा, ये हो जाएगा एट. एट अगेन इज ग्रेटर देन क्या, फाइव, तो खुद गायब हो जाएगा, इसको वन बना के चला जाएगा. क्या सिग्निफिकेंट तीन हो गए? नहीं, अभी भी वन है. तो वन इज लेस देन फाइव, तो उसको डायरेक्टली स्किप कर दो. तो आपका आंसर अप्रोक्स 109 हो जाना चाहिए. पॉइंट मत लगाना, सही है. वन स्किप हो जाएगा, वन तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि वन किसी चीज को बढ़ाता नहीं है, सही है. वन खुद गायब हो जाता है, कम नहीं करते नंबर से. तो 109 इज योर आंसर. बुक में भी डायरेक्ट दिया हुआ है इस तरीके से, देख लेते हैं. तो वी हैव टू राउंड द आंसर टू 109. ये पॉइंट नहीं है, ये फुल स्टॉप है, सही है. ये फुल स्टॉप वाला डॉट है. चले आना इसको ठीक. तो सबसे पहले है आपके पास के कैलकुलेट द आंसर टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरह से क्वेश्चन आता है. और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर. 0.35 माइनस 0.1. आपने जज कर लिया कौन सा सबसे छोटा नंबर है. आपने यूर सर एक आपके पास दो सिग्निफिकेंट वाला, एक आपके पास दो सिग्निफिकेंट वाला नंबर है 0.35, और एक सिग्निफिकेंट वाला नंबर है. तो यानी कि अब आप जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो आपके पास वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट होना चाहिए. ओके, जो भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा. सॉल्यूशन है माइनस करना है, तो सिंपल जो बच्चों वाले माइनस करते हैं ना, इस तरह से करो माइनस. आंसर क्या आने वाला भाई इसका, 0.25. राउंड ऑफ करना है आपने. ओके, इसको आपने करना है राउंड ऑफ वन तक. तो भाई फाइव के बाद कुछ भी नहीं है, तो फाइव टू के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा. फाइव के बाद ना ऑड है ना इवन है, लेकिन जब कुछ भी ना हो तो उसका मतलब मैं उसको इवन कंसिडर करता हूँ. ओके, तो फाइव के ऊपर, फाइव टू के ऊपर कोई फर्क नहीं पैदा करेगा. योर आंसर विल बी दिस, सही है. लिख देना एक लाइन, मैंने आसानी के लिए लिख दिया. बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं. आफ्टर अप्लाइंग सिग्निफिकेंट रूल एंड राउंडिंग ऑफ डेटा योर आंसर विल बी दिस. खत्म. बी पार्ट पे आ जाते हैं. तीन डिजिट, तीन वैल्यूज आ गई हैं अब आपके पास. पहली वैल्यू में आपके पास पांच सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दूसरे में तीन हैं, सही है, चार है बल्कि, अगर मैं जीरो को भी काउंट करूंगा क्योंकि पॉइंट लग गया है तो जीरो काउंट होगा. और तीसरे वाले में भी पांच है, सही है. तो राउंडिंग ऑफ करते हैं इसकी, पहले एडिशन कर लेते हैं. सिंपल एडिशन होगी, सही है. एडिशन के बाद आपके पास ये आंसर आ रहा है, और आप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएं और इसको यहाँ तक ले आए. ओके, याद रखिएगा बेटा, एक और बात मैं याद दिला दूं. पॉइंट लग के जीरो आ गया वो, इसका मतलब वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट हो गया. यहाँ पे सिग्निफिकेंट तीन नहीं, चार है. ओके, अगर ये पॉइंट नहीं होता और खाली जीरो होता, या ये जीरो ही नहीं होता और ना ही पॉइंट होता, तो दोनों सूरतों में ये थ्री सिग्निफिकेंट रखता. अभी इसके पास चार सिग्निफिकेंट फिगर है, इसी वजह से मैंने जो आंसर बनाया है राउंडिंग ऑफ के बाद, उसमें पॉइंट के बाद जीरो को शामिल रखा है. यानी चार चार सिग्निफिकेंट मौजूद हैं, सबसे लीस्ट जो है वो चार सिग्निफिकेंट फिगर है. मेरे ख्याल से इसमें भी मसला नहीं हुआ होगा किसी को, सही है. एडिशन कैलकुलेटर से कर लेना, कोई हाथ वाथ से नहीं करना, या लिख के करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा. कैलकुलेटर में नंबर डालो, आंसर निकालो, राउंडिंग पे टाइम लगाओ, सही है. पार्ट सी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है पहले वाले में, इट इज फाइव, सेकंड वाले पे सिक्स, लास्ट वाले में फाइव, यानी कि फाइव पे राउंड ऑफ करना है आपने. कर दो भाई. अच्छा, इन सब में सबसे कम वाला जो ना, इसको कंसिडर किया जाएगा. वजह क्या है, पॉइंट से पहले डिजिट कम है इसके, इस कंडीशन में आपको सिग्निफिकेंट बनाना तो फाइव ही है. खैर, तो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है आपके पास. 818.368 आ रहा है, तो उसको बस आप किस तरीके से फाइव सिग्निफिकेंट कर दो, सबसे आसान है. आखिरी वाले को ही चेंज करवाना है आपने, तो एट बराबर वाले पे क्या फर्क डालेगा,
खुद गायब हो जाएगा, एक बढ़ा देगा उसका, ये लो भाई 3 7 हो गया, बस 5 सिग्निफिकेंट पे आ गया आंसर। अब मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आ जाओ, 8 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास विदाउट डॉट वाला, विदाउट डेसिमल वाला नंबर आएगा 112। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसको पहले गौर से समझना। 112 को कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, क्या करूँ कि मेरे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो आपके पास 8 है, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे जो आप सिंप्लीफाई करेंगे वहां पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन बना देंगे। वजह यह है कि मुझे वैल्यू की, कहते हो ना, औकात नहीं खत्म करनी है, वैल्यू का जो हिस्सा है, वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 100 से ऊपर जा रही है, यानी कि हंड्रेड्स में है वैल्यू। मैं इसको श्रिंक करके टेंस में या वंस में नहीं ला सकता, मेरे लिए मसला हो जाएगा, वैल्यू की मैंने अमाउंट ही कम कर दी। तो मैंने सब, जब पॉइंट नहीं होता तो बड़ा मसला हो जाता है, और उसको सिग्निफिकेंसी में भी काम सॉल्व करना होता है। तो आपके पास सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे जो पॉइंट मौजूद होगा, सही है, सवालात अभी नहीं करो, पहले समझ लो, सही है। यहाँ पे जो छुपा हुआ पॉइंट होता है, आपने, आपको याद होगा मैंने बताया था यहाँ पे एक छुपा हुआ पॉइंट होता है, तो ये छुपा हुआ पॉइंट आप शिफ्ट करा दें 1 2, इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए। तो इसकी शक्ल हो जाएगी इस तरह की, कैसी, 1.12 हो जाएगी, सही है, 1.12 हो जाएगी, बट सिग्निफिकेंट स्टिल इज क्या है आपके पास, आपके पास सिग्निफिकेंट दोबारा से क्या है, 3 ही है। तो आप पॉइंट के बाद वालों को राउंड ऑफ कर दें, पॉइंट के बाद वालों को राउंड ऑफ कर दें। पॉइंट के बाद वाले में 2 है, 2 खुद गायब होगा, सही है, अपनी जगह पे 0 छोड़ जाएगा। देखो 0 छोड़ के जाते हैं, पॉइंट के बाद लगाना हमारे लिए जरूरी नहीं होता, ओके। और 1 भी गायब होगा तो 0 छोड़ जाएगा, क्योंकि मैंने पॉइंट खुद मूव कराया था, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन उसके साथ होगी। तो ये हो जाएगा 1.00 एक्सपोनेंट 2, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे आंसर में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है भाई, 1 एक्सपोनेंट 2। सिग्निफिकेंट कितने रह गए, 1 रह गया। अगर 1.00 रखोगे 3 सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, ओके, बात समझ में आई। चलो फटाफट करते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, मैं 2 आपके पास है। अब मल्टीप्लाई 3 हिस्सों में आ गए, कैलकुलेटर से आंसर निकालो, आंसर के बाद सारे काम शाम शुरू होंगे हमारे। कितने पे कन्वर्ट करना है आपके पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। 2400 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3.45 हैज 3, एंड 16.21 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि आपने इसको राउंडिंग ऑफ करना है इस तरह से कि इसकी वैल्यू भी खत्म ना हो और इसको आप राउंड भी करते हैं। तो देखो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, सही। आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाह रहे हो, उसको भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकते हो, सही है। 13 एक्सपोनेंट 4, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो जाएगा, आंसर वही रहेगा। तो इन्होंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं करा है। बेटा मेरे पास 30 सेकंड से भी कम टाइम